हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इंडिया। दोस्तों, नोएडा विद्यालय समिति के अंदर कुछ पोस्ट आई है, प्रिंसिपल की, पोस्ट ग्रेजुएट की और टीजीटी जिसको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। कुछ इसके साथ में मिसलेनियस कैटेगरी की भी वैकेंसी है, उनके बारे में बात करेंगे। टोटल वैकेंसी कितनी है उसकी बात करेंगे। इसी के साथ में बात करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, टेस्ट आपका कहाँ पर है, कितनी आपकी फीस है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए इसको पूरा देख लेते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे आप अपने सामने देख रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज को यदि आप देखना चाहते हैं, यानी कि ये वैकेंसी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर देखना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा 2 से 8 जुलाई 2020 की एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। इसी के साथ में यहाँ पे आप एड्रेस देख पाएंगे और नीचे रिक्रूटमेंट ड्राइव है 2022 और 2023। यहाँ पे रिक्रूटमेंट है प्रिंसिपल का, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, इसी के साथ में है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का। कुछ मिसलेनियस कैटेगरी की वैकेंसी भी हैं जो टीजीटी पीजीटी की हो सकती हैं, जैसे लाइब्रेरी वगैरह इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर नोएडा के अंदर है, आपको पता होगा। पूरे देश के अंदर जो स्कूल हैं वो 649 लगभग 650 कह सकते हैं 649 स्कूल हैं। 8 रीजनल ऑफिस हैं जिसके अंदर चंडीगढ़ भी है, भोपाल भी है, लखनऊ और पटना, पुणे, शिलोंग इत्यादि, इसके अंदर कई सारे इसके रीजनल सेंटर भी हैं। JNU एक को एजुकेशनल का मतलब है कि जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। ये फुली रेजिडेंशियल स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक है और मेनली गांव के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें आप अप्लाई करते हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और टीचर्स से रिक्वायरमेंट क्या की जाती है कि टीचर्स की ये माना जाता है कि वो विद्यालय के अंदर ही कैंपस के अंदर रहेंगे और उनको अकोमोडेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि विद्यालय की तरफ से, स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ में यदि आगे आप देखोगे तो आगे डिटेल्स बता रखी हैं कंप्लीटली। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रिंसिपल है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मिसलेनियस कैटेगरी की कुछ इस प्रकार से बता रखी हैं बातें। यहाँ पे नीचे दे रखी हैं पोस्ट, और पोस्ट का मतलब है कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ पे खाली हैं। जैसे प्रिंसिपल की आप बात करेंगे तो टोटल जो वैकेंसी वैकेंट है नोएडा विद्यालय के अंदर जो अभी आई है वो है 12। इसके अंदर कैटेगरी वाइज है, जैसे कि जनरल कैटेगरी की 7 है, EWS की 1 है, OBC की 3 है, ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर भी वैकेंसी यहाँ पे दिखा रखी है। फिर उसके बाद में बात करते हैं PGT की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आप बात करेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट इसके अंदर भी हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट 11 कवर किए गए हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस है ही। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे हैं 397 हैं। और यहाँ पे यदि आप बात करेंगे जनरल की तो 180 वैकेंसी यहाँ पे हैं। तो इस प्रकार से आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख लेनी है और फिर उसके बाद में आपको अप्लाई करनी है। उसके नीचे आप देखोगे तो ये कुछ यहाँ पे TGT की वैकेंसी दिखा रखी है। TGT की टोटल वैकेंसी 683, यानी कि काफ़ी वैकेंसी हैं। जनरल की आप वैकेंसी देखोगे तो 285 हैं सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस की वैकेंसी यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। उसके बाद में थर्ड लैंग्वेज की बात है, जैसे थर्ड लैंग्वेज का मतलब है कि जो रीजनल लैंग्वेज हैं, जैसे असामीज की, बोडोज की और भी। यहाँ पे इस पेज को हमने ऊपर ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये स्प्लिट कर रखा है 2 भागों में। और यहाँ पे टोटल यदि रीजनल लैंग्वेज की आप बात करेंगे तो 343 वैकेंसी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पंजाबी की वैकेंसी भी हैं जो 32 हैं, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने रीजनल यानी कि लैंग्वेज के अंदर डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है। तो उसके बाद में मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर हैं, जैसे म्यूजिक की पोस्ट भी दे रखी हैं। टोटल यहाँ पे 181 वैकेंसी हैं, 8 की हैं और PET मेल की हैं, PET फीमेल की, लाइब्रेरियन की, ये वैकेंसी भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की 83 वैकेंसी यहाँ पे उपलब्ध आपको मिलेंगी। उसके बाद में दोस्तों नीचे देखोगे तो डिसेबिलिटीज वगैरह की ये डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे आप देखोगे एलिजिबिलिटी और उसके बाद में क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करें प्रिंसिपल के लिए, और प्रिंसिपल का ना ये कोड आपको ध्यान में रखना है, कोड है यहाँ पे 01। पे स्केल की बात करें तो लेवल 15 है ये वाला, आपको ये सैलरी आपको मिलेगी। एज आपकी 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और बीएड आपने कर रखी हो, ये यहाँ पे ज़रूरी है। उसके साथ में एक्सपीरियंस दे रखा है, एक्सपीरियंस आपका सेंट्रल यानी कि सेंट्रल और स्टेट के अंदर कहीं भी हो, वाइस प्रेजिडेंट के तौर पर, वाइस प्रिंसिपल के तौर पर आपने काम किया हो, या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर काम किया हो, या PGT के तौर पर काम किया हो, 8 साल का आपका एक्सपीरियंस हो।
और यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल 7 साल का एक्सपीरियंस हो, और यदि वाइस प्रिंसिपल के तौर पे किया है तो आपने 2 साल का एक्सपीरियंस और पीजीटी यहाँ पे चलेगा। इसी के साथ में यदि आपने टीजीटी के तौर पे काम किया है तो 15 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है। डिजायरेबल कुछ चीज़ें हैं, डिजायरेबल क्या है कि आपने हाउस मास्टर के तौर पे फुली रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर एटलीस्ट 3 साल काम किया हो, और उसके साथ में आपका एक्सपीरियंस हो फुली रेजिडेंशियल सीबीएसई या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल का। इसी के साथ में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में, यानी कि तीनों लैंग्वेज आप बोल सकें, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है आपका पीजीटी। पीजीटी के अंदर यदि आप देखोगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट आपका, मतलब एक डिप्लोमा वगैरह या फिर डिग्री वगैरह आपके पास होनी चाहिए, बीएड भी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे है नोट में दे रखा बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट, जिन्होंने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है उनके लिए बीएड जरूरी नहीं है, और मास्टर डिग्री 50% की यहाँ पे दे ही रखी है। उसके बाद में ये दे रखे हैं सब्जेक्ट जिन जिनके अंदर आपको, जैसे आपको डिफाइन करने की जरूरत कहाँ पे है, जैसे फिजिक्स के अंदर आपने इनमें से किसी में से भी आपने कर रखी हो, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह आपने कर रखी हो, केमिस्ट्री के अंदर बायोकेमिस्ट्री भी कर रखी हो बेसिक, मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिक्स से अप्लाइड मैथमेटिक्स किसी से भी हो, इकोनॉमिक्स के अंदर अप्लाइड से आपने बिजनेस से बेसिक कर रखी हो, कॉमर्स के अंदर आपने अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी से भी आपने कर रखी हो, इसी प्रकार से बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायो साइंस जेनेटिक्स इनमें से किसी से भी आपने कर रखी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट भी दे रखा है कि मास्टर डिग्री स्पेशलाइजेशन आपके पास हो, उसके साथ में बीए डिग्री आपकी हो, इंग्लिश और हिंदी आपको लैंग्वेज आती हो। डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस एज ए टीजीटी, यदि आपने आपके पास एक्सपीरियंस है तो डिजायरेबल है, और रेजिडेंशियल स्कूल में काम कर रखा तो और भी बढ़िया है, और कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसी के साथ में पीजीटी की दे रखी है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या होना चाहिए, 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, ये डिफाइन यहाँ पे कर रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। बीएड आपने डिजायरेबल इसके अंदर चाहिए। अब यहाँ पे यदि बात करें ट्रेंथ ग्रेजुएट टीचर की यानी कि टीजीटी की, तो टीजीटी के नीचे डिफाइन कर रखे हैं और ये दे रखे हैं पोस्ट कोड, इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखा कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड आपके पास कोर्स हो तो बहुत बढ़िया है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, इसके साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री तो है ही, यदि बीएड आपने इंटीग्रेटेड नहीं कर रखी है तो 1 साल या 2 साल की बीएड भी आपकी यहाँ पे चलेगी। अब बात है यहाँ पे अलग अलग डिफाइन कर रखा है, हिंदी जैसे टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी आपका 3 साल डिग्री कोर्स में जरूर हो, इसी प्रकार से इंग्लिश भी आपका 3 साल के डिग्री कोर्स में जरूर होना चाहिए। ये कुछ यहाँ पे कंडीशन है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अब उसके बाद में टीजीटी साइंस का अलग डिफाइन कर रखा है, सोशल साइंस का आपका डिफाइन कर रखा है, ये दे रखे हैं आपके कम्बिनेशन, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपके पास होनी चाहिए, इसके साथ में ज्योग्राफी विद हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस आपके पास होनी चाहिए, ये कुछ सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है, इसे आप देखिए, द कंडीशन ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन डिग्री कोर्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड हैविंग 50% मार्क्स इन इंटायर डिग्री, 50% आपके सब्जेक्ट में और 50% आपके डिग्री में होने चाहिए। कंडीशन एटलीस्ट 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट टू बी कंस्ट्रक्ट एज ए हैविंग 50% एग्रीगेट मार्क्स। उसके साथ में टीजीटी के बारे में है, टीजीटी के बारे में डिजायरेबल वगैरह दे रखी है, बीएड और ये तो सब होने चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डिजायरेबल क्या है, रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया हुआ होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास हो। उसके बाद में आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं मिसलेनियस पोस्ट के बारे में। यहाँ भी अलग अलग आपको दे रखा है कि यहाँ पे 5 ईयर स्टडी म्यूजिक के अंदर आपकी होनी चाहिए, ये आप यदि कंसर्न के अंदर हैं तो आप ये ध्यान से देख लें, आपने बैचलर डिग्री म्यूजिक से हो तो भी चलेगी। ये मतलब बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दे रखी है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, कैटेगरी में है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और कई जगह तो कैटेगरी के अंदर 15-15 साल का मतलब रिलैक्सेशन भी एज के अंदर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइन वेरियस एलिजिबिलिटी, कट ऑफ डेट के बारे में आपको पता ही चल गया होगा कि लास्ट डेट क्या है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। अब यहाँ पे क्लोजिंग डेट से पहले आपको अप्लाई करना है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें दे रखी है। इकोनॉमिक्स सेक्शन मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में यहाँ पे बात बता रखी है, 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट आपका 100 स्क्वायर यार्ड्स और उससे नोटिफाइड एरिया के अंदर नहीं होना चाहिए। कुछ कंडीशन पूरी करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आप चिन्हित होंगे, अन्यथा आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, ये कुछ कंडीशन यहाँ पे बता रखी हैं। अब उसके बाद में नीचे यहाँ पे देखोगे कैंडिडेट
अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिजल्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस का ही यहाँ पे मैटर दे रखा है। हम चलते हैं नीचे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? सीधी सी बात है कि यहाँ पे एक आपका टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, टेस्ट प्लस इंटरव्यू। अब टेस्ट जो आपका होगा वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, और उसके साथ में आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरेक्शन भी हो सकता है। अब CBT जो टेस्ट होगा प्रिंसिपल को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी का टेस्ट की लोकेशन ये दे रखी है, अलग अलग स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं। और जैसे मेरी स्टेट हरियाणा है तो मैं हरियाणा पे यदि आपको लेके चलूँ तो हरियाणा के कुछ एक सेंटर यहाँ पे आपको मिलेंगे, और वो कौन कौन से सिटी हैं, जैसे फरीदाबाद के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, हिसार के अंदर, करनाल के अंदर, कुरुक्षेत्रा के अंदर, बस यही हरियाणा के दे रखे हैं। उसके बाद में आप अलग अलग स्टेट के अंदर जैसे हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के अंदर बहुत सारे आपको मिलेंगे, इनमें भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अपने सिटी के हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा कि कहाँ आपको टेस्ट देना है। उसके बाद में डिसेबिलिटीज के बारे में दे रखा है, 40% है, इसे आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं हम, और आगे चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल की, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मोड की। तो हमारा सिलेक्शन का मोड क्या रहेगा? सिलेक्शन का मोड रहेगा प्रिंसिपल के लिए आप बात करेंगे तो रीजनल न्यूमेरिकल एबिलिटी इसके अंदर है 10, और टोटल मार्क्स भी 10 हैं। इसी के साथ जनरल अवेयरनेस 20 नंबर और बीसी क्वेश्चन, उसके साथ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के 20 नंबर, एकेडमिक और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट के 50 नंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस के 50 नंबर होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 नंबर होंगे प्रिंसिपल के लिए। उसके बाद में करते हैं PGT की बात। PGT की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 10, रीजनल एबिलिटी के 20, ICT के 10, ICT मतलब कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में 10, डोमेन नॉलेज 80, टोटल 130, फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के बारे में 20, यानी कि टोटल हो जाएंगे आपके 150। तो 150 का यहाँ पे इनका भी टेस्ट होगा, 150 मार्क्स और 150 ही क्वेश्चन। उसके बाद में दे रखा फॉर ऑल सब्जेक्ट PGT पार्ट 1, यानी कि पार्ट 1 और 4 विल बी कॉमन, पार्ट 5 विल बी द सब्जेक्ट स्पेसिफाइड। पार्ट 5वां जो पार्ट है वो होगा यानी कि आपके सब्जेक्ट का 80 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे, ये वाला जो पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट से आएगा, इसको आप ध्यान में रखें ये वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपका दे रखा है TGT के लिए, TGT और मिसलेनियस के लिए, ये आपका सब्जेक्ट जो डोमेन नॉलेज है वो सब्जेक्ट के लिए है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 10, रीजनल एबिलिटी के 10, ICT के 10, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10, इसी प्रकार से आपके ये हो जाएंगे 5 यानी कि 50, और डोमेन नॉलेज है आपका 80 का, और टोटल आपके हो गए 120, और फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 30 यानी कि टोटल हो गए 150। इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है फॉर ऑल सब्जेक्ट TGT एंड मिसलेनियस टीचर पार्ट 1 से लेके 4 तक कॉमन रहेगा, और 5वां सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, वो जो सेम TGT का था उसी प्रकार का यहाँ भी रहेगा। अब बात करते हैं आगे और हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। नवोदय विद्यालय की ये साइट है navodaya.gov.in पे आपको जाना है, और वहाँ पे लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना है। अंडर नो सर कैंडिडेट शुड शेयर मेंशन ईमेल आईडी और फोन नंबर आपका जरूर होना चाहिए OTP वगैरह के लिए। तो यहाँ पे दे रखी है, फिर उसके बाद में आपकी फीस क्या दे रखी है ध्यान से आप देखिएगा। फीस आपकी प्रिंसिपल के लिए दे रखी है 2000 रुपये, और PGT के लिए 1800 रुपये, TGT के लिए 1500 रुपये। थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा है यार, इतनी फीस थोड़ा ना चाहिए। जो बेरोजगार इंसान है, अनएम्प्लॉयड पहले ही है, और उसे आप इतनी फीस आप ला दोगे, बहुत ही गलत है। मेरे हिसाब से फीस 500 रुपये से कम ही होनी चाहिए थी, पर क्या कर सकते हैं भाई, गवर्नमेंट का रूल है या फिर जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी का रूल है। यहाँ पे 2000 प्रिंसिपल के लिए, PGT के लिए 1800 और TGT के लिए 1500 फीस यहाँ पे है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आप देख लीजिए, कैंडिडेट शुड टेक आउट द प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रिजर्व इट फॉर द फर्दर रिकॉर्ड, एंड शुड नॉट मैंशन द सेम टू NVS और एनी अदर एड्रेस। The application printout will also have to submit during document verification. ये printout आपको जब आपके document verify होंगे उस समय पे submit करना है, और ये time होगा आपका interview का जब document verification वगैरह होंगे उस समय पे। आपकी age, qualification, experience, caste, नॉन क्रीमी लेयर और फिजिकल डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के सर्टिफिकेट जब आपके जारी होंगे उस समय पे इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये है इंपॉर्टेंट डेट्स।
इसे आप ध्यान से समझिएगा। रजिस्ट्रेशन आपका होगा 2 जुलाई 2022 से शुरू। आज मैं 1 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 2 तारीख से आप मान के चले ये आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज हो जाएगा 22 जुलाई 2022 तक, यानी कि आपके पास 20 दिन मिलेंगे। फिक्स डिपॉजिट आपकी 2 जुलाई 2022 से और 22 जुलाई 2022 यानी कि सेम ही रहेगा। डेट ऑफ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का अभी इंटीमेशन नहीं है, समिति इसके बारे में डिसाइड करेगी और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि आप इंडियन होने चाहिए, टेंटेटिव और इंक्रीज डिक्रीज पोस्ट की जा सकती हैं, जो नॉर्मल सी बात है। नेगेटिव मार्किंग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है। 1/4 यानी कि 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन आपका गलत यहाँ पे मान लिया जाएगा। उसके बाद में टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा और रीजनल लैंग्वेज का रीजनल लैंग्वेज में होता ही है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट सीबीटी बेस्ड पे आपका कैंडिडेट वो शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। नो मॉडिफिकेशन अलाउड वंस ऑनलाइन फॉर्म इज सबमिट, किसी प्रकार का डाटा उसके बाद चेंज नहीं हो सकता है। ये भी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो मेंशन कर रखी है कि कई बार ना एडिट करने का ऑप्शन दे देते हैं, करेक्ट करने का ऑप्शन दे देते हैं कि ऑनलाइन में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, यदि आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं। मैं इनको ज़्यादा सा टाइम नहीं देना चाहता, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है बड़ा इम्पोर्टेंट, वो है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ST कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन ईयर 2022 और 2023। ST और कैंडिडेट के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है। स्लॉट के अंदर 20 स्कॉलरशिप हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये इसी एडवर्टीजमेंट के बीच में आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे अभी आप ध्यान में रखें। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन NVS के बारे में। नवोदय विद्यालय समिति की जो रिक्रूटमेंट पोस्ट आई हैं TGT PGT और प्रिंसिपल और मिसनेलियन सब्जेक्ट के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, कहीं भी आप पूछ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी के साथ में हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।